तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन की जो कि आपको अंडर 12,000 रुपये के बजट में देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, 12,000 रुपये के बजट में आपको इंडियन मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं कि सही स्मार्टफोन को चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको 12,000 रुपये के बजट में कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए जो आपके पैसों की सही वैल्यू पर मिल जाए। तो यहाँ पर आपको ऐसे 4 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 12,000 रुपये के बजट में बाय कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसे कोई भी किसी भी स्मार्टफोन में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी 12,000 रुपये के बजट में कोई नया स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए जरूर। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में क्या पता आपको कोई सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाए, क्या पता आपको यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाए इस वीडियो में। दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नंबर 4 के स्मार्टफोन की, उसके बाद नंबर 3, फिर नंबर 2 और फिर उसके बाद नंबर 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं नंबर 4 के स्पेक्स की। दोस्तों, यहाँ पर आपको नंबर 4 पर देखने को मिलेगा Xiaomi की तरफ से आने वाला पोको M3 स्मार्टफोन जो हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। यहाँ पर दोस्तों बात करें स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिस पर आपको कोरिंग के ग्लास 3 प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें तो आपको पीछे प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा, इसमें मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी और पीछे तरफ आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 48MP का देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ। अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो वहाँ पर आपको एक 8MP का वाटर ड्रॉप में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। मैं फिर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। इसके बेस वेरिएंट की बात करें तो ये आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा। इसके प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको 11,000 रुपये देखने को मिल जाती है फ्लिपकार्ट पर। तो आप चाहे तो 11,000 रुपये में स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं जो कि आपको 6GB रैम के साथ में देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी में भी आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आपको 2 दिन का बैकअप आराम से प्रोवाइड करा देगी। और काफ़ी बड़ा ये स्मार्टफोन हो जाता है, 6.5 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट के साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में 4वें नंबर पर आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें 3रे नंबर के स्मार्टफोन की, तो वो आपको देखने को मिलेगा मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला का मोटो G30। देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन के स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिस पर आपको कॉर्निंग ग्लास 3 प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलता है लेकिन रिफ्रेश रेट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। फिर बात करें पीछे के डिजाइन की, तो पीछे आपको प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ग्लासी फिनिश देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको मोटोरोला के लोगो में फिंगरप्रिंट स्कैनर और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब स्मार्टफोन का कैमरा जो है ना काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा, यानी काफ़ी कमाल का कैमरा सेटअप स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ लेंस आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे कोई कमी देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर आपको 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 4वें नंबर के स्मार्टफोन से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। वहीं पर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 और यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 4GB रैम के साथ और यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी 64GB। हालांकि यहाँ पर आपको 2GB रैम कम देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पर जो आपको स्पेस देखने को मिलती है ना कैमरा में या फिर डिस्प्ले में या फिर किसी और चीज़ में के लीजिए, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बैटरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलेगी 5000mAh की। यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ में 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर आप स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 11,000 रुपये में, चाहे तो आप इसे जाकर के बाय कर सकते हैं। तो फिर बात करें स्मार्टफोन के 2रे नंबर की, यानी सेकंड पोजीशन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेडमी की तरफ से रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था मार्च के महीने में। यहाँ पर स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.43 इंचेस का एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक फुल HD डिस्प्ले होने वाला है। अब यहाँ पर रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है नॉर्मल वाला। पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें, पीछे आपको प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा जिस पर आपको ग्लासी फिनिश देखने को मिल जाएगी और पीछे की तरफ आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। फिर बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो वहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 13MP का पंच होल सेल्फी कैमरा। डिस्प्ले का डिजाइन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर देखने को
मिलेगा और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस भी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के रैम वेरियंट की, तो स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट होगा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। USB टाइप सपोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 33W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन दोस्तों 12,000 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन कल स्मार्टफोन की प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर अब ये स्मार्टफोन आपको 12,500 रुपये में देखने को मिल जाता है। वहाँ पर दोस्तों बात करें फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की, तो वहाँ पर आप दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा पोको M2 प्रो और दूसरा होगा दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो। दोनों स्मार्टफोन जो स्पेक्स है ना वो बिल्कुल आपको डिटो सेम देखने को मिल जाते हैं और डिजाइन भी आपको दोनों स्मार्टफोन का सेम देखने को मिल जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक स्मार्टफोन के दो नाम से यहाँ पर इंडिया मार्केट में बेचा जा रहा है। यहाँ पर स्पेक्स अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो देखने को मिलेगी वो 6.67 inches की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कॉलन के लास्ट 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट में। फिर पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें, पीछे भी दोस्तों स्मार्टफोन में आपको बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा। यही स्मार्टफोन की खासियत भी है। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ भी कॉलन के लास्ट 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। कैमरा सेंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो वहाँ पर आपको 13MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। मेरे पर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, जो कि इसकी मेन हाईलाइट है और यहाँ पर इसे फर्स्ट पोजीशन पर बैठा देता है। यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो आपको गेमिंग में बेस्ट ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा 12,000 रुपये के बजट में। इसका बेस वेरियंट आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत आपको दोस्तों 12,000 रुपये देखने को मिल जाती है सेल में। वैसे तो स्मार्टफोन आपको 13,000 रुपये में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि आज तारीख है 1 मई, तो अगर आप 1 मई को इस वीडियो देख रहे हैं तो आज ये स्मार्टफोन आपको 12,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा अमेजोन पर। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे यहाँ पर पोको M2 प्रो स्मार्टफोन और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको एक चेंज देखने को मिलता है। रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको जो है 5020mAh की बैटरी के साथ में 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और पोको M2 प्रो स्मार्टफोन में 5020mAh की बैटरी के साथ में 33 यानी कि 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। यही आपको चेंज देखने को मिलता है। कीमत दोनों स्मार्टफोन की आपको सेम देखने को मिलती है। पोको M2 प्रो 13,000 रुपये में आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाता है और रेडमी नोट 9 प्रो 13,000 रुपये में आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। सेल में दोनों ही स्मार्टफोन आप 12,000 रुपये में आराम से बाय कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये मैंने अमेजोन से लिया था आज ही, यहाँ पर आपको स्मार्टफोन 12,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। अब देखिए इसमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये बेस्ट स्मार्टफोन जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। और अगर आप 15,000 रुपये में बेस्ट स्मार्टफोन जानना चाहते हैं, तो आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो मैं आपको देना लाते रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।